टीवी एक्ट्रेस देबीना बनर्जी दूसरी बार माँ बनने वाली हैं। अभी 4 महीने पहले ही उनका पहला बच्चा हुआ है। देबीना को पहला बच्चा काफी कोशिशों के बाद हुआ। वो 5 साल से ट्राई कर रही थी, 5 बार इस प्रोसेस में वो फेल भी हुई थी, लेकिन देखिए इसे किस्मत ही कहते हैं कि पहले बच्चे के पैदा होने के महज 4 महीने के बाद ही वो दूसरी बार प्रेग्नेंट भी हो गई है। पहली प्रेगनेंसी के लिए उन्होंने 2 IVF और 3 IUIS ट्रीटमेंट फॉलो किए थे, हालांकि वो फेल रहे थे, मगर इस बार देबीना ने नेचुरली कंसीव किया है, जिसकी उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। अपने नए व्लॉग में देबीना ने सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में उन्हें कैसे पता चला और इस दौरान वो कौन सी परेशानियों से गुजरी, इसका भी खुलासा किया है। देबीना बनर्जी ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो शॉक्ड हो गई थी। उन्हें लगा कि अब वो क्या करेंगी, एक साथ वो 3 फीलिंग से गुजर रही थी। वो काफ़ी इमोशनल भी हुई और अपनी बॉडी का थैंक्स भी उन्होंने किया। देबीना ने कहा, मैंने सोचा बाहर में जाए लोग, वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि मैं नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ये हुआ है, ये चमत्कार है। पिछले 5-7 सालों में से मैं इस ख्याल के साथ रही हूँ कि मेरी बॉडी ने नेचुरली कंसीव करने की क्षमता खो दी थी। मेरी बॉडी उस काबिल ही नहीं है। मुझे एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमायोसिस था जो मेरी नेचुरल कंसीव में रुकावट पैदा कर रहा था। मेरे एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरे गर्भाशय की परत कभी ठीक से बन नहीं रही थी। देबीना को जब पता चला कि वो फिर माँ बनने वाली है तो उन्होंने अपने पति गुरमीत को बताया। वो कहती हैं कि गुरमीत के दिमाग में था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जानना चाहता था कि टेस्ट अभी का है या नहीं। हम डॉक्टर के पास गए और चेक कराया तो डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए थे। देबीना का छोटा सा स्कैन हुआ जहां बच्चे की हार्ट बीट को सुना गया। अगले दिन देबीना का प्रेगनेंसी स्कैन हुआ और उनकी गुड न्यूज़ कन्फर्म हुई। देबीना का मानना है कि अगर हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्पेस दें, उस पर दबाव ना डालें, तो हमारा शरीर सब कुछ करने के काबिल है। उन्होंने बताया कि सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान पहली ट्राइमेस्टर में उन्हें काफ़ी ब्लीडिंग हुई। कभी उनके दिमाग में प्रेगनेंसी की बात ही नहीं आई। जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया और कंफर्म हुआ तब भी उन्हें गुड न्यूज़ पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें लगातार ब्लीडिंग हो ही रही थी। वो कहती हैं कि जब भी मैं गूगल पर प्रेगनेंसी के दौरान की ब्लीडिंग को लेकर सर्च करती तो हमेशा रिजल्ट में मिसकैरेज ही दिखता। ब्लीडिंग को लेकर मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल दिख रही थी और डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे। फिर मेरा स्कैन हुआ तो पता चला कि क्लॉट है, वो पुराना क्लॉट था। ये अजीब था, 3 से 5 स्कैन के बाद भी बताया गया कि क्लॉट है, ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। 3रे महीने के मिडिल में मेरी ब्लीडिंग रुकी। इतनी दिक्कतों के बाद जिस तरीके से अब देबीना अपने सेकंड बेबी का इंतज़ार कर रही है, इसके लिए उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया गया था और कई लोगों ने तो उन्हें ये तक कह डाला था कि उन्हें अपने पहले बच्चे पर ही फोकस करना चाहिए था। इतनी सारी बातों के बावजूद देबीना बेहद हैप्पी हैं और उनकी फैमिली सेकंड बेबी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी देबीना को उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी पर उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं।